नवाज साहब की बात की कि वो बेनिफिशियल ओनर है, इस पर भी आज तलाल साहब ने कुछ कहा था, मैं चाह रहा हूं आप सुन ले इसका जवाब दे दें। तलाल साहब तो रोज कहते रहते जो सुन ले इसका जवाब दे देगा, फैसला करेगा या जो उनकी लॉयर्स करेंगे। मेरी बात सुनिए, जीजी ब्रिगेड अपना लगा होता है इनकी, जीजी ब्रिगेड को आप जवाब देती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो देते हैं उनसे आप बात करें। अपनी बेटी को तो तस्लीम नहीं करते, दूसरों की बेटी पर भी झूठा इल्जाम लगाते हैं, उस बेटी पर जिससे खौफ है कि उसके साथ नवाज लगा है, वो सियासी तौर पर उभर कर सामने आएगी, वो सियासी तौर पर उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। मरियम नवाज साहिबा का नाम इसलिए आपने जोड़ा है क्योंकि आप सियासी मुकाबला नहीं कर सकते उनका। मेरी बात सुने, सियासी मुकाबला बिल्कुल अगर वो आएंगी मैदान में तो करेंगी, लेकिन क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज की फिंगर सारा डेटा उधर जा रहा है, मटेरियल सारा जा रहा है, बेनिफिशियल ओनर वो है और मियां साहब की डिपेंडेंट है वो, क्योंकि भाई मुझे बात तो खत्म करने दे, सबूत तो कोर्ट है ना, अब इल्जाम आप डिसाइड करिए कि कोर्ट डिसाइड करेगा। मैं तो कह रही हूं लेट द कोर्ट डिसाइड। हां तो वो हम तो वही कह रहे हैं ना, तो आप पहले से क्यों चीख रही हैं? दोनों से गुजारिश है, आप बीच में बैठे हैं, आप सालिस का किरदार अदा कर मुझे दरमियान में फंसा के बिठा दिया।